श्री राधे हर हर महादेव। अगर गुरुवार को किए यह चार उपाय तो छप्पर पार कर मिलेगा धन, कैसे चलिए जानते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना गुरुवार व्रत कथा का पाठ करती हैं। इतना ही नहीं, गुरुवार के दिन यदि हम भगवान विष्णु को पीले अन्न के प्रसाद का भोग लगाते हैं और पीला अन्न ग्रहण करते हैं तो शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि कुंडली में गुरु के मजबूत होने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा गुरुवार के दिन करने से करियर और कारोबार में भी मन के मुताबिक सफलता प्राप्त होती है। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि यदि आप भी अपनी आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन ये कुछ विशेष उपाय जिनसे आपको छप्पर फाड़कर धन प्राप्त हो सकता है। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है और आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते के साथ आप गुरुवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करना है। साथ में तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके भगवान विष्णु को वह तुलसी दल अर्पित कर देना है। यदि ऐसा आप लगातार 5 गुरुवार करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप तंगी से निजात पा रहे हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी की पूजा करने से भगवान श्रीहरि अति प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा करने वाले की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप गुरुवार को कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर तुलसी माता को अर्घ देते हैं और सच्चे मन से उनसे अपनी मनोकामना, चाहे वो धन से जुड़ी हो, सौभाग्य से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो, तो आप सच्चे मन से आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, व्यापार की हो, विवाह की हो, माँ पूर्ण करती है। इस दौरान आपको तुलसी माँ के पौधे की परिक्रमा करके उन्हें कच्चा दूध गंगा जल का अर्घ अर्पित करें और शुद्ध घी का दिया जलाकर उनकी आरती करें। अगर आपकी आय कम है और खर्चे ज्यादा हैं और आप इसमें अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आप स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें और इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में उस मंजरी को बांधकर अपने धन स्थान पर या मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपकी आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। और अंत में गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को गंगा जल में धोकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके पश्चात तुलसी की जड़ को आप अपनी तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो इसे अपने मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें, पर ध्यान रखें तुलसी का पौधा जो सूख गया हो उसकी जड़ आपको लेनी है। ऐसा नहीं है आपने हरा भरा पौधा जड़ निकाल लिया, ऐसा कदापि ना करें, यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। श्री राधे हर हर महादेव अवश्य लिखें।